प्रेस दलॉड हाल के बाबर के ताम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फ़जल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं पास्टर विलसन एजाज़ का बहुत बहुत सलाम और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप खुदा उनके फजल और उसकी बरकत को अपनी स्परिचुल लाइफ के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं और ये प्रोग्राम आपकी रूहानी तरक्की का बास जो है वो बन रहा है हम सारा इज़्ज़त ऑनर और जलाल खुदा उनके नाम को देते हैं और नाजरन हम खुदा उनका शिक्र करते हैं इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बरकत को हासिल करें तरक्की को पाएँ और जितने भी मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं उन सबों की ज़िंदगी में से हम उनके खास पहलुओं के ऊपर रोशनी डालते हैं कि किस तरह से खुदा उन्हें उन्हें बुलाया और किस तरह से वो खुदा उनके लिए खिदमत कर रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में से टेस्ट को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि उन गवाहीियों को सुनकर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो इग्नाइट हो और आप खुदा के फज़ल में ज़ोर क़ुत और बरकत को हासिल करें और इस बात को इस शा को अपनी स्परिचुल लाइफ के अंदर लें कि खुदा मेरे लिए भी सब कुछ कर सकता है ही कैन डू एवरी थिंग फॉर मी और खुदा जो दूसरों के साथ है दूसरों की ज़िंदगी के अंदर बरकत दे रहा है मत सोचे कि खुदाउंद उन्हीं के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता ही कैन डू एवरी थिंग फॉर योर लाइफ टू खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को और बरकत को जो है वो दाखिल करता है ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय करें क्योंकि खुदामंद का यही मकसद है कि जो जिंदगी उसने आपको बख्शी है वो फुल ऑफ़ ग्रेस है वो खुदामंद की बरकत से भरी हुई है उसने इसको कसरत के साथ हर तरह की बरकत के साथ आपको जो है वो दिया उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ और इस कसरत के अंदर एवरीथिंग एवरीथिंग जो है वो इंक्लूड है वो आपकी सोशल लाइफ हो वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो वो उसकी आपकी अज्वाजी ज़िंदगी हो आप किसी भी पहलू में से खुदांद को देखें वो वहाँ पर मौजूद है आपकी तरक्की सरफराजी और बरकत के लिए हम खुदांद के नाम को सारा इज़्ज़त ऑनर और जलाल जो है वो देते हैं नाजरीन आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है जो खुदा के लिए खूबसूरत खिदमत को जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और खुदा ने जो तोड़ा भी उनको बख्शा है जो टैलेंट खुदा ने उनकी लाइफ के अंदर रखा है भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उसको चमकाएँ और खूब उसकी रोशनी के वसीला से दूसरों को जो है वो मुतासर करें ताकि दूसरे जान सकें कि मेरे खुदा ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम जो है वो किए हैं हमें इसी तरह से अपने तोड़े को चमकाना है ताकि खुदा उनका वो फज़ल जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर हुआ है उसके वसीला से दूसरे जो हैं वो खुदा उनकी की बरकत को और उसके फजल को जो है वो हासिल कर सके आई मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ जो है वो लिए चलता हूं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर अनवर सुचा साहब सो so, साहब हम आपको वेलकम करते हैं आज Thank के you. प्रोग्राम में प्रेज द लॉर्ड और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर जवید सुचा साहब भाईसाहब हम आपको भी वेलकम करते हैं yes, आज के प्रोग्राम में Praise the Lord. Hallelujah. और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर जफर इकबाल साहब सुपाही साहब हम आपको वेलकम करते हैं यू वेलकम सर और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर हारून सुचा सुपाही so, साहब हम आपको भी वेलकम करते हैं प्रेज द लॉर्ड और यकीन नाजन आज के प्रोग्राम के वसीला से भी और जब ये खुदाम यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं और जो भी बातचीत होगी मैं बिलीव करता हूँ कि पाखरू की रहनुमाई के अंदर आप इस गुफगू को इंजॉय करेंगे और बरकत को हासिल करेंगे और खुदा का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वह इज़्ज़त और जलाल पाएगा आएँ अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा उनकी खादम पास्टर फ़र इकबाल साहब से मेहरबान चलाली आसमानी बाप तेरे पाक पवित्र बेटे यशु के नाम में हम तेरी तजीम और तकरीम और सताइश करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए ख़ुदा पाक खुदा जो कि हम फजल टी वी के वसीला से कर रहे हैं हम तेरी शुक्र गुज़ारी करते हैं खुदा खुदा कि तूने आज ये मुमकिन किया कि हम तेरे खुदाम के साथ मिल करके तेरे नाम को जलाल इज्जत ऑनर हशमत और बजर्गी दे सकें खुदा खुदा मैं पिलखसूस तेरे अजीम कादम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए और सिस्टर मैविश के लिए उनकी सारी टीम के लिए उनकी वी के लिए यशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और बरकत चाहता हूँ ताकि आज के खुदांद खूबसूरत इस लम्हात के लिए हम तेरे नाम को जलाल और इज़्ज़त दे सकें खुदांद तेरे कलाम की जितनी भी बातें आज की जाएं खुदांद वो सुनने वालों के लिए देखने वालों के लिए बाश बरकत हो खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदा अपने जलाल के लिए हम सबको ब्लस्ड कर मसीह हमारे खुदांद के वसीला से आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बहुत शुक्रिया भाई साहब बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए जो है वो की है और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ एक बड़ी ख़ूबसूरत बात जो है वो शेयर करना चाहता हूं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक खुदा के फ़ज़ल को और बरकत को जो है वो लाएगी और जब आप इस बात को जानेंगे और समझेंगे तो यकीन ये डिवेलपमेंट आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर होगी आज सुबह मैं जब खुदा के कलाम में से पढ़ रहा था बड़ी ख़ूबसूरत बात सुलेमान जो है वो इमसाल की किताब के अंदर जो है वो हमारे साथ शेयर करता है इमसाल की किताब उसका बाईस बाप चौबीस और पच्चीसवीं आयत के अंदर सुलेमान कहता है गुस्सा व आदमी से दोस्ती ना कर और गज़बनाक शख्स के साथ ना जा मबा तो उसकी रफशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए द लॉर्ड यही हमत है जो सुलेमान हमें सिखाता है और इमसान की किताब हमें दना आदमी की तरह स्पिरिचुअल लाइफ में लेकर जो है वो चलती है और हमें इन बातों से सीखना है सुलेमान हमारे सामने इसी बात को जो है वो रख रहा है हमारी फेलोशिप के ताल्लुक से हमारे उठने और बैठने के ताल्लुक से जो है वो बात कर रहा है और इसके ताल्लुक से जो बात जो टॉपिक मैं आपके सामने रखता हूँ वो यही है कि वी हैव टू सेट अ बाउंड्रीज अक्रॉस अवर लाइफ हमें अपनी ज़िंदगी के चौगिर्द ऐसी बाउंड्रीज़ को लगाना है जिसके अंदर आपकी फेलोशिप ऐसे लोगों के साथ हो जो खुदावन के डर और उसके खौफ के अंदर और उसकी बढ़ोती के अंदर अपनी जिंदगी को जो है वह बसर करें सुलेमान जब यह कहता है कि गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर समाइम्स हम अपनी स्परिचुअल लाइफ के अंदर ऐसी फेलोशिप के अंदर बैठते हैं ऐसी पर्सनलिटीज के साथ अपना ताल्लुक़ और रता रखते हैं ऐसे दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं जिनका करदार जिनका बोलना जिनका उठना बैठना हमारी स्परिचुअल लाइफ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो नहीं होता और यहीं से आपका ग्राफ जो है वो गिरना शुरू होता है क्योंकि, क्योंकि कलाम में मुकदस के अंदर वो कहता है मबा तो उसकी रविशें सीखे और अपने आ, अपनी जान को क्या करे फंदे में फंसाए क्योंकि जब हम इस तरह की फेलोशिप में बैठते हैं अगर कोई क्विक टेंपर है अगर कोई झूठ बोलने वाला है अगर कोई गुस्से में रहने वाला है अगर कोई ऐसी जो है वो बात करने वाला शख्स है जब भी आप उसके साथ फेलोशिप में होंगे तो स्लोली स्लोली आप उसकी यादात को जो है वो अपनाएंगे जो आपकी स्परिचुल लाइफ के ऊपर जो है वो अफेक्टेड होंगी और आपका ग्राफ जो है वो गिरना शुरू होगा इसलिए कोशिश करें कि अपनी स्परिचुअल लाइफ के चौगिर्द ऐसी बाउंड्रीज को जो है वो सेट करें जो आपकी डेवलपमेंट के लिए हो जो आपको रूहानी लेवल और दर्जे के ऊपर लेकर जाने के लिए हो जिसके लिए खुदा उनका फजल और उसका बर्क, उसकी बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बढ़े सो so, अजीज़ो व अभी हम बातचीत करते हैं अपने मेहमानों के साथ जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सो so, सबसे पहले हम बात करेंगे खुदा उनके खादम पास्टर जवेद सुचा साहब से कि भाई साहब आप अपने ताल्लुक से अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बात पाकरू ने आपकी ज़िंदगी के अंदर रखी है जो नाज्रेन इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे शेयर करें खुदा यसुम के खूबसर नाम में तमाम देखने वालों की सलामती चाहता हूँ सो मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन ही से सर खुदा की खिदमत के लिए खुदा ने चुना था शौक़ था जी। और खुदा अपने घर में हमें इस्तेमाल कर रहा था और एज़ ए स्वीपर मैं सफाई करता था वहाँ पे और गाने का और बजाने का मुझे बहुत शौक़ था और उसके साथ साथ जो है ना वो मैं खुदा के खादम पास्टर अनवर सुचा साहब मेरे रूहानी बाप भी हैं मेरे चाचू भी हैं तो हम इनसे सीखते रहे मुझे गाये गए वो जो भी कोई मिस्टेक होती छोटी मोटी तो वो हमें गाइड करते थे और काट सॉँट करते थे और आज खुदा की शुक्र है कि खुदा ने ना सिर्फ म्यूज़िक बजाने के लिए मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ उसके साथ मैं गाता भी हूँ और खुदा ने मुझे जैन की इनकरेजमेंट की वजह से आज मैं मसबह पे खुदा के कलाम को भी बयान करता हूँ और खुदा ने चर्च दिया हुआ है खुदा ने कलीसिया दी हुई है और ये खुदा के साथ वफादारी का सबूत है कि जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा कभी वक्त था कि हम दूसरों को देख के ये कहते थे कि काश के आज हम यहाँ पे हों हम भी कभी वक्त आएगा कि हम भी स्टेज पे आएंगे और आज खुदा की शुक्रगुजारी है खुदा ना सिर्फ कसूर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है वर्शिप के वसीला से और खुदा का क़लाम बयान करने के वसीला से खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बहुत शुक्रिया पास्टर जुबेद सुचा साहब और हम आपके लिए दुआ गुआं कि खुदावंद आपको जिस तौर से आप खिदमत कर रहे हैं इसमें और बढ़ाए और खुदांद का नाम आपकी ज़िंदगी के वसीला से बहुत सी जिंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए सो इसी तरह नाजरीन हम बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदांद के ख़म पास्टर ज़फ़र इकबाल साहब सो भाई साहब हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और जो खिदमत आप कर रहे हैं वो हमारे नाजरीन को बताएँ मसीसू में आप सबको सलाम जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज फजल टीवी के वसीला से आप मेरी गवाही को बातों को सुनेंगे और खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा इससे पेशतर के मेरी जो लाइफ थी वो बहुत ही घनौनी लाइफ थी गुनाह के अंदर था खुदा से दूर था लेकिन खुदा ने अचानक से मेरी ज़िंदगी के अंदर एक चेंज को डाल दिया और मैंने खुदा के कलाम को कबूल किया मैंने यशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का नजात दहिंदा कबूल किया कि यशु मसीह के वसीला ही से नजात और जिंदगी जो है वो मुमकिन है कलाम के अंदर पहाड़ी वाइस के अंदर यशु मसीह इस बात को फरमा रहे हैं मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो असुदा होंगे जब मैंने रास्तबाजी की भूख को और प्यास को महसूस किया तो वो खुदा बन ने मुझे रास्तबाजी का बख्तर पहनाया मैंने अपने गुनाहों से तोबा की मैंने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल किया और जब से मैंने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल किया तब से मैं स्टैंड हूँ और तकरीबन मुझे आ, पच्चीस साल हो चुके हैं खुदा के कलाम की खिदमत करते हुए यानी कि बचपन ही से खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा है और मेरी एक अच्छी फैमिली है जिसमें मेरी मदर हैं सिस्टर्स हैं ब्रदर हैं और मेरी वाइफ है बेटी, है, बेटी हैं बेटियां बेटे हैं हम मिलकर सारी फैमिली जो हैं वो खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं बेटियां गाती हैं और वाइफ जो हैं वो खुदा के नाम को मेरे साथ मिलकर जलाल दे रही हैं और खुदावंत का शुक्र है कि अब हम खुदावंत की हसूरी में एक बड़ा नाम पा रहे हैं खुदा हीलिंग के वसीला से इस्तेमाल कर रहा है, खुदा कलाम की खिदमत से के वसीला से इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारे लोग जो खोए हुए हैं मैं उनको मसीह की भूख और प्यास की तरफ ला रहा हूँ ताकि वो आएँ और खुदा के बैठे यस्ु मसीह को अपनी जिंदगी का शख्सी नजातंदा कबूल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिसों मैं, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के पाखरू का कि उसने मुझे इस लायक ठहराया और समझा कि मैं उसका खादम बनकर मेरा घराना जो है वो एक स्पिरिचुअल घराना बनकर खुदावंद के नाम को जला दे लेकिन इससे पेशतर कि जब मैंने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया था हम घनों लोग थे खुदा से दूर थे गुलामों की मंडियों के अंदर बिकने वाले लोग थे लेकिन जब खुदा के बेटे यस्सु मसीह को मैंने कबूल किया उसने मुझे शहजादों की मानंद बना दिया और एक रूहानी लाइफ बख्शी एक खिदमत बख्शी और मैं जहाँ जाता हूँ खुदावन के नाम को जलाल मिलता है ये सारी इज्जत ऑनर जो है खुदा के बेटे यस्सु मसीह को जाती है और उसके बाद मेरी ग्रेट मॉम को जाती है जिनके वसीला से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ खुदावंत मुझे और आपको बरकत दे अगर आपकी घनौनी लाइफ है अभी तक आपने खुदा के बेटे यस्ु मसीह को अपनी जिंदगी का नजात दहिंदा कबूल नहीं किया अपने गुनाहों से इकरार नहीं किया तो आज वक्त है कि आप उसको कबूल करें शायद आपको ये वक़्त फिर ना मिल सके आज वक्त है उसको कबूल करने का वक्त है आए उसके नाम को जला दें क्योंकि वही कौमों कबीलों का रब और रब अफवाज है वो मेरा और आपका नचा दींदा खुदा है गॉड ब्लेस ऑल आमीन प्रेज द लॉर्ड बहुत शुक्रिया पास्टर जफ़र बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे और देखें नाजरन खुदा उनके खादम यही बता रहे थे मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं जब मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर है उसका बेटा हमारी ज़िंदगी के अंदर है हम बरकत और सरफराजी को जब वो हासिल करते हैं और हमारी ज़िंदगी बाबरकत बन जाती है हम जिस तरफ भी जाते हैं खुदावंद हमारी रहनुमाई करता है वो अपने आसमान को हमारे लिए खोल देता है और फिर हर तरह की बरकत नमत सरफराजी हमारी ज़िंदियों के अंदर होती है और इस ज़िंदगी के अंदर सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम खुदांद के साथ लिपटे रहें और जो भी ज़िम्मेदारी उसने आपको दी है उसे खुश खुशसलूबी के साथ उसके नाम के लिए जब सर अंजाम दें ताकि खुदा उनके नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले आए नाजरीन अभी हम बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके ख़ादम पास्टर हारून सुचा सो भाई साहब हम चाहते हैं कि आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी गवाही आपके दिल के अंदर है हमारे नाजरीन जो इस वक्त आपको के साथ शेयर करें मसीसू में तमाम देखने वालों की सलामती हो सो हम खुदाम की शुक्र गुजार हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए बड़ा खूबसूरत नाम है ग्रेस फॉर ऑल तो खुदा का फजल हर एक के लिए है बशत यह है कि हम उस राह की तलाश करें जहाँ पर खुदा की ग्रेस है उसका फजल है और जब हम उस राह पर चलते हैं क्योंकि कलाम मुकदस में लिखा है कि अपने लड़के की उस राह पर तरबियत का जहाँ पर उसने जाना है ताकि वह बूढ़ा होकर भी उससे ना बुड़े सो ये खुदा का शकर है कि खुदा ने एक अच्छी फैमिली थी और मैं खुदा के खदम खुदा के खूबसूरत ममसूख का शुक्र गुजार हूँ जिनकी उत और कोशिश के वसीला से आज मैं स्टेज पर हूँ सो so, खुदा ने टीन एज में ही चुना और आज खुदा का फजल है कि जिस तरह कलम कलमकदस में लिखा है कि आ, वो यहूदिया सामरिया और दुनिया के इंतहा तक आपको लेके जाएगा बशरत यह है कि हम उसके फजल की तलाश करें और उस फजल के वसीला से फिर खुदा गोरे से उठाता और आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है और मैंने अपनी मनसी का आगाज़ भाई साहब संडे स्कूल से किया और Praise आज खुदा का शुक्र है कि संडे स्कूल से खुदा ने वो भी बहुत ज़रूरी है वो भी साथ हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ हम आ, मैं वेंजलज़म तौर पे एज ए मशनरी खुदा ना के मुल्क पाकिस्तान के मुख्तु शहरों के अंदर बल्कि खुदा ने के अंदर छोटी एज में ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और ये खुदा का फ़जल है और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र गुजार हूँ कि उसने अपने फजल के वसीला से वो स्टेज दी कि हम उसके बेटे और बेटियाँ बन सकें हालेलुया बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बातें और ये बड़ी खूबसूरत बात है जब हम छोटी उम्र में जवानी के दिनों में खुदावंद के को के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं और खुदावंद से प्यार करते हैं जब हम खुदांद के साथ रहते हैं तो वो यकीन हमारी जिंदगी के अंदर अपने फ़जल को बरकत को जो है वो ज़ाहिर करता है और खुदावंद अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल देता है जिस तरह खुदा के खादम बता रहे थे कि छोटी उम्र से ही उन्होंने खिदमत का आगाज़ जो है वो किया और संडे स्कूल में और ना सिर्फ संडे स्कूल में खुदावंद उनकी खिदमत को बढ़ाता रहा और पाकिस्तान में बैरून मुल्क में जहाँ भी मौका मिलता है खुदा की खिदमत को सर अंजाम देते हैं जब आप खुदांद के साथ वफादार हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको कौमों कबीलों के दरमियान लेकर जाए और आप उसकी गवाही को दूसरों के सामने जो है वो बताएं कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन से बड़े बड़े काम किए हैं ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप खुदांद के साथ जुड़े हुए हैं उसकी फेलोशिप के अंदर हैं और उसकी रहनुमाई के अंदर चल रहे हैं फिर उसका वादा है कि वो आपको हरी हरी चरागाहों के अंदर लेकर जाता है ये हरी हरी चरागाहें जो हैं ये वही प्रॉस्पेरिटी है बरकत है वो दूसरा दर्जा लेवल आपकी ज़िंदगी के अंदर है जिसका खुदावन ने आपके साथ जो है वो वादा किया है और वो यकीन अपने लोगों से प्यार करता है मोहब्बत करता है ताकि उसके लोग जो है वो बरकत और सरफराजी को जो है वो हासिल करें तो खुदा उनके खादम पास्टर हारून जो है बड़ी खूबसूरत बातें नाजरीन आपके साथ जो थे कर रहे थे मैं जानना चाहता हूँ कि पास्टर हारून जब आप संडे स्कूल में थे तो वहाँ पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किस तरह से आप जो है वो टीन एज या छोटे बच्चे जो हैं उन्हें खुदा उनके लिए लेकर चलते हैं और फिर एकदम उस संडे स्कूल में से निकल कर अडल्ट के अंदर जो है वो खदमत को आप लेकर आए तो ये हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इस तजर्बे के बारे में नाजरीन को जो है वो बताएँ इलाम मुकदस में लिखा है कि यसूल सिंह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और मैं ये समझता हूँ कि बच्चे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम शुरू से उन्हें इनक्रेज करेंगे इस बात के लिए तो फिर डेफिनेटली हमारा चर्च जो है वो अच्छा बिल्ड होगा बिल्कुल तो ये हमारे चर्च की एक बुनियाद है और आ, उसके लिए हमें बच्चों को अच्छे से इनक्रेज करने की ज़रूरत है बहुत सारी मुश्किलतें आती हैं बच्चों को टीच करना उन्हें गाइड करना इट्स टू मच डिफ़िकल्ट लेकिन जब बच्चों के साथ बच्चों जैसा रिएक्ट करेंगे खुद भी बच्चे बन के उनके साथ वो बिहेव करेंगे तो फिर एक तो वो हमारे साथ उनका आ, अच्छा रिलेशन हो जाएगा अच्छी अटैचमेंट होगी और फिर वो आसानी से हम उन्हें गाइड भी कर सकेंगे और फिर आ, अच्छे तरीके के साथ तर तस्वीरों के साथ फिर उसके बाद हम आ, एक्टिविटी के ज़रिए से गेम्स के ज़रिए और फिर अशारों के ज़रिए एक्ट करके जब हम उनके सामने एक नमूना पेश करती हैं तो उस एक्ट के वसीला से वो अच्छे तरीके से सीख पाती हैं और फिर उनके जहन में वो बात जे नशी हो जाती है और इस तरह से फिर बच्चों में अच्छे से उन्हें गाइड करना और फिर उन्हें क़लाम के लिए इनकर्ज करना ये बहुत आसानी पैदा हो जाती है प्रेस द लॉर्ड नाजरीन संडे स्कूल जो है वो हर चर्च का जो है वो एक बेहतरीन हिस्सा है अगर आपके चर्च के अंदर संडे स्कूल नहीं है तो मैं चाहता हूँ जरूर इस पहलू के ऊपर जो है वो गौर करें और अपने चर्च के अंदर संडे स्कूल के लिए जो है वो जगह जो है वो और तालीम जो है वो उसको जो है वो मैसर करें ताकि आपकी कलीसिया आपके बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं जब हम छोटी उम्र से ही उन्हें तालीम देना शुरू करेंगे उन्हें बताना शुरू करेंगे मसीह के बारे में एक्टिविटीज़ के ज़रिया से तस्वीरों के ज़रिया से हम उन्हें सिखाएंगे तो यकीन जब संडे स्कूल जो है वो मजबूत होगा तो आपके चर्च के आने वाले दिन जो हैं वो बरक़त और सरफराजी क्योंकि यहीं से आपके चर्च के अंदर जो है वो लीडरशिप जो है वो पैदा होती है यहीं से आपको क्वायर लीडर मिलते हैं यहीं से आपको प्रिजाइडर्स मिलते हैं यहीं से आपको म्यूज़िक बजाने वाले मिलते हैं यहीं से आपको वर्शिपर्स मिलते हैं यहीं से आपको वेंजलिस्ट मिलते हैं यहीं से आपको मुस्तबिल हैं वो मिलते हैं इसलिए अपने चर्च के संडे स्कूल के ऊपर जो है वो फोकस करें और बेहतरीन तालीम जो है वो उनके लिए मैसर करें ताकि आपके चर्च के बच्चे जो हैं वो तालीम को सीखें और खुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें सो सोनाजिन आए अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और हमारी गुफ्तगु का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा प्रेज़ द Lord, Hallelujah. Welcome वेलकम बैक Break ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप बरक़त को सरफराजी को जब वो हासिल कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो आज के मेहमानों के साथ जो थे वे कर रहे थे और उनकी ज़िंदगी के अंदर से हम इन बातों को जान रहे थे कि ख़ुदा उन किस तरह से अपने फ़जल को उनके ऊपर जब वो नाजिल किया और क्या ख़िदमत वो खुदा के लिए कर रहे हैं कलिसिया के अंदर किस तरह से अपने आप को लेकर चल रहे हैं और बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के ख़ुदाम ने हमारे साथ जो है वो शेयर की और हम इन बातों से बरकत को जो थे वो हासिल कर रहे थे और यकीन जब आपने देखा और सुना है आपने भी बरकत को जो है वो हासिल किया है और ख़ुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिला है सो नाजेन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान जो है वो मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करेंगे हमारे साथ इस वक्त ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है अवेंजलिस्ट मून चार्ल्स ने सो सो ब्रदर हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर प्रेज द लॉर्ड और मैं चाहता हूँ कि जो भी ए, बात आप नाजरन से करना चाहते हैं या जो बरकत या रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा उन्होंने आपकी ज़िंदगी के अंदर रखी है जो नाजरन इस वक्त आपको देख रहे हैं आप उनके साथ शेयर करें मसीह बाबरकत और जलाली नाम तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम पेश करता हूँ और मैं शुक्रगुजार गुजार हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं फ़जल टीवी पे आके खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें तमाम खादमी के साथ मिलकर तो मेरी गुवाही ये है कि मैं खिदमत में बहुत सरगर्म हूँ खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ वेंजलिस और उसके साथ साथ शुरू से लेके मैंने अपने उस्ताद मोहतरम फास्टर अनवर सुच्चा साहब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और इसी तरह तमाम खादमी की रिस्पेक्ट भी करता हूँ तो खुदा ने मुझे कम एज में बहुत इज़्ज़्ज़्ज़्त और बहुत जलाल दिया है कि साथ साथ मैं मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है मैं एज ए शेफ़ काम बहुत से होटलों में काम कर चुका हूँ और अभी मलिक पैरस पे मैं काम कर रहा हूँ तो खुदा ने मुझे पाकिस्तान के मशहूर जो स्टार्स हैं उनमें काम करने का ये मौका बख्शा ये सारा ऑनर सारी इज्जत ये खुदा के नाम को है क्योंकि खुदा के कला में लिखा है कि खुदांद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की इमरादों को पूरा करेगा भी तो भी मैं अपना ज़्यादा वक़्त खिदमत में देता था तो खुदा ने मुझे इसी के इवज़ ये जो खादम की खिदमत है और दूसरे लोगों की खिदमत है मैंने शेफ़ के जरिए से खाना बनाकर उनकी खिदमत करता हूँ तो कोई भी पास्टर्स या कोई भी सेमिनार होता है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपने खाना बनवाना हो तो मैं फ्री में आपके पास आऊँगा और खादमों की खिदमत करूँगा तो गायस कि मैं कहता हूँ कि कोई भी आपके पास हुनर है तो अगर आप वफादारी के साथ खुदा के साथ चल रहे हैं तो खुदा आपको दुनिया में बुलंद करेगा इसका सारा ऑनर जो है वो खुदा के नाम को है तो मैं शुक्र गुज़ार हूँ कि खुदा के खादम के, के जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि आज उनके साथ बैठ के गुफ्तु कर सकूँ तो बहुत शुक्रिया एंजलिस मोन और हम बड़े खुदा से दुआगो हैं आपकी खिदमत के लिए जो आप कर रहे हैं और मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि जो भी तोड़ा खुदावन ने आपको दिया है पर बाई प्रोफेसन आप जो है एक शेफ़ हैं और खिदमत भी करते हैं तो देखिए नाजरन खुदा उनका बंदा यही बता रहा था कि जो थोड़ा खुदांद उन्हें बख्शा है वो शेफ़ हैं और खाने बनाते हैं और जब भी ख़ादमीन उनके पास आते हैं उनकी खिदमत करते हैं और वो आपको दावत भी देते हैं कि अगर कोई ख़ादम उनकी खिदमत को जो है वो लेना चाहता है तो उनसे ज़रूर जो है वो <laughs> बात करें वो फ्री में जो है वो ये फैसिलिटी देते हैं तो खुदावंद आपको बरकत दे जो बरकत खुदावंद आपको बख्शी है आप वो बाँट रहे हैं और खुदा के ख़मों की खदमत कर रहे हैं इस वसीला से भी खुदांदा आपको और तरक्की सलामती और सरफराजी दे और हम चाहते हैं कि खुदा मंद मुल्के पाकिस्तान के बेहतरीन होटल्स में जो है वो आपका नाम जो है वो जाए ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले हम आपके लिए दुआगों हैं और खुदा उनसे चाहते हैं कि खुदाउंद और ज़्यादा आपको अपने जलाल के लिए जब वो इस्तेमाल करें सो so, नाजरीन अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदा उनके जिंदा कलाम में से और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर अनवर सुचा साहब तो हम उनकी तरफ चलते हैं वेलकम पाई साहब एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी बात पाखरू ने आपके दिल में डाली है जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं आप उनके साथ शेयर करें थैंक यू वेरी मच द लॉर्ड सोम सी एसओ के बाबरकर जलाली खूबसूरत मरतबर नाम में तमाम देखने वाले बहन भाइयों को पासुरान सुचा उनकी सारी टीम की तरफ से सलाम कबूल हो सो so, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि बहुत सारी बातें हमने खुदा के ख़दाम से सुनी है पास्टर विल्सन साहब से सुनी है हमने तो बात यह है कि ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि हमारे नाम के साथ एक ऐसा नाम जुड़ गया है जो सुचा सुचा मेरे वाले साहब का नाम है और वो सच्चाई के पीकर है सदाकत की बातें करते हैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हैं mm -hmm. आगे खुदा ने उनको ब्लैस किया पोते पोतियाँ बेटे बेटियाँ दिए, और खुदा का शुक्र है कि फर्स्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि छोटी एज में ही खुदा ने मुझे चुना Praise मेरे घर के अंदर चार पास्टर हैं दो वेंजलिस्ट हैं संडे स्कूल टीचर्स हैं तो हम सबों को खुदा ने छोटी एज के चौदह पंद्रह साल की एज के अंदर और 1998 में मेरी कॉलिंग है तो खुदा का शुक्र है कि बेसिकली हम प्रेसपटेरियन और उसके बाद करीबन 2003 में टेंथ कास्टर को मैंने जॉइन किया और उसके बाद 2005 में मैंने बपचमा लिया तौबा की यसु को कबूल किया और उसके बाद मुझे 2005 में ही एज ए पास्टर अटेंड किया गया सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि पहले हम बपचमे के ख़िलाफ़ थे लेकिन थैंक्स लॉर्ड थैंक्स लॉर्ड अब पाँच सौ के करीब मैं अपने हाथों से लोगों को बपटाइज कर चुका हूँ ये खुदा उनकी शुक्र गुजारी है सो ये खुदा के नाम को इज़्ज़त तो और जलाल है जब हम खुदा के साथ कमिटेड होते हैं खुदा को फॉलो करते हैं तब खुदा हमें दुनिया की बुलंदियों पर ले चलेगा ये उसका बड़ा प्रॉमिस है अपने लोगों के साथ और जान देने तक वफादार है तो फिर ज़िंदगी का भी ताज है ये लास्ट में अवार्ड है तो उसको हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ साथ सो so, इससे पहले कि मैं बाइबल मुकदस की खूबसूरत बातों को नाजरीन आपके सामने रखूं, सो so, मैं फ़र्स्ट फजल चैनल का थैंक यू अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनटी दी है कि यहाँ पर आकर खुदा के कलाम को हम बयान कर सकें ताकि जितने भी व्यूवर्स हैं देखने वाले हैं वो सुने और बरकत पाएँ और सेकेंडली फोर विल्सन साहब आपका भी शुक्रिया आपने ऑनर दिया हमें यहाँ पे सो so, खूबसूरत बातें आज खुदा ने मुझे दी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ हम बाइबल मुकदस में से मुकदस रसुलों के अमाल उसके चौथे बाप की तेरवी आयत को तलावत करेंगे गौर से सुनिएगा यहाँ पर लिखा है जब उन्होंने पतरस और यौहना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और ना वाकफ आदमी हैं तोजब किया फिर उन्होंने पहचाना कि ये यसु के साथ रहे हैं खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो सो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यसु नाम एक ऐसा नाम है जो लेने से इंसान को सुकून राहत तस्कीन मिलती है यसु नाम लेने से इंसान की थकन दूर हो जाती है यसु नाम एक ऐसा नाम है जिसको लेने से लोग नफ़रत भी करते हैं लेकिन यसु नाम में कुदरत पाई जाती है यसु नाम में कुवत पाई जाती है और जो कोई उसका नाम लेता है वो नजात पाएगा जो स्टोरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो इसके साथ मिलती जुलती है कि यसु के साथ चलने से इंसान को मिलता क्या है फर्स्ट तो ये है कि जब हमारी जिंदगी के अंदर यसु मसीब सेरा कर लेते हैं हमारे दिल के अंदर आ जाते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं आपको हर तरफ आनर ही ऑनर मिलेगी और आपको आला दर्जा दिया जाएगा आपको आला मुकाम पर बैठाया जाएगा यस्ु नाम एक ऐसा नाम है सो मैं बताना चाहता हूँ पतरस और योहन्ना जब हम इनकी हम आ, लाइफ पर गौर करते हैं ये मछलियाँ पकड़ने वाले और मछलियां पकड़ते पकड़ते जब यसु मसीन के पास पहुँचे और इनको देखा और देखने से ये फील किया कि ये इन फ्यूचर में आदम आदमियों को पकड़ेंगे यूसुम मसीह ने कहा क्या मेरे पीछे हो ले तो करते करते मैं शॉर्ट बयान करता हूँ शॉर्ट वक़्त में मैं ज्यादा बातें आपको इनकर्ज करने के लिए आपके ईमान की पुख्तगी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ चलने से इंसान को मिलता क्या है सो जैसा कि हमने देखा कि पत्रस रसूल एक ऐसे जोशीले वार्म अप एक ऐसा रसूल है हर बात में आगे हर बात में आगे और एक वक्त आया कि जब 120 की जमात के साथ पत्रस रसूल शामिल है बाला खाना के अंदर वहाँ पर कुदस नाजल होता है जब कुदस नाजल होता है, लोग कहते हैं इन्होंने नशा किया हुआ है कला में लिखा है कि उन शागि में से यही पत्र खड़ा हुआ और कहता है कि भाई आज हमने नशा नहीं किया बल्कि आज हमने आज हमारी जिंदगी के अंदर वो काम हुआ है जो यसु मसी आसमान पर उठाए जाने से पहले कहा कि तुम कुत का लबाज पाओगे और जब रसूल रुख की उस कुत से भर गए बाला खाना से बाहर आए खुदा का कलाम सुनाया लिखा है कि एक ही आवाज के अंदर तीन हज़ार लोगों के दिलों पर चोट लगी और वो यसु मसीह के पीछे हो ले उनको कबूल किया और यसु मसीह के नाम से बपचिसमा लिया और बताना ये चाहता हूं कि जब लोगों ने ये देखा कि ये तो अनपढ़ और ना वाकफ़ हैं तीन से कहां से आ गई ये मोजात कहां से आ गए लोग कैसे इनकी बात से तब्दील हो जाते हैं वजह क्या है और आगे ही खुद ये पैसा बताते हैं फिर उन्होंने उनको पहचाना और कहा ये वो हैं जो यीशु के साथ चलते रहे लॉर्ड जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे फिर खुदा हमारे थ्रू से ऐसे अजीब काम करेगा जो लोग देखकर धंग और हरान रह जाएंगे और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह के साथ ये रहे हैं अब मैं बताना ये चाहता हूं जैसे हम पाम संडे की बात उस स्टोरी को जानते हैं सभी जब हम उस पे गौर करते हैं तो यीशु मसीह एक लादों के बच्चे पर बैठता है आप देखें यसु मसीह के पांव तो जमीन पर नहीं लग रहे लेकिन ऑनर सु मसीह के साथ साथ गधे को भी दी जा रही है उतनी ही ऑनर मतलब बात करने का यह है कि जब हम यसु मसीह के साथ चलेंगे डेफिनेट बात ये है कि यसु मसीह हमारे साथ चलेंगे फिर हमारी इज्जत उस गधे से भी बढ़कर होगी और कलाम खुदावंदी के अंदर लिखा है मरियम मगदलिनी जैसे ही उसने यसु मसीह को अपनायासु मसीह उसकी जिंदगी के अंदर आए तो खुदा ने उसकी लाइफ को ही बदल डाला जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो फिर लोग हमारी डिग्रियों को हमारे डिप्लोमे को हमारे सर्टिफिकेट्स को नहीं देखते बल्कि यह देखते हैं कि ये यीशु मसीह के साथ कितने फेथफुल हैं कितने ईमानदार हैं कितने वफादार हैं जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो फिर हमें ऑनर मिलेगी जैसे पथरस रसूल यौहना रसूल को मिली यीशु मसीह ने उनको कहा कि जब तुम मेरे पीछे आओगे फिर तुम मछलियाँ नहीं बल्कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा तो आज मछलियों को पकड़ने की वक्त नहीं है जरूरत नहीं है बल्कि हमें आदमगीर बनने की जरूरत है जितने भी खादमीन मुझे आज सुन रहे हैं मैं आपको इनकर्ज करना चाहता हूं कि हम एज ए पास्टर एज लीडर, एज ए वेंजलिस्ट अपने आप को ऐसा बनाएं ताकि हम आदमगीर बन जाएं, लोगों को पकड़ें और यीशु मसीह की पहचान तक उनको लेकर जाएं। ताकि वो यसु मसीह को जाने और जैसे वो यसु मसीह को जानेंगे तो फिर कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा है सो भाई साहब जब हम लोगों को यसु मसीह की पहचान करवाएंगे तो डेफिनेट ये बात है कि हम हेवन के अंदर उसके बेटे उसके फर्जंद बनेंगे तो कलाम में लिखा है खुदा यूसु मौसी ने पत्रस के अंदर मोहब्बत को देखा इस योहना के अंदर मोहब्बत को देखा ये ऐसे दो रसूल हैं जिनको खुदा ने एक ऐसा रुतबा दिया है कि जिनको दुनिया आज तक भी बड़े वार्म तरीका के साथ उनकी स्टोरी को बयान करते हैं जैसा कि पत्रस रसूल कलाम में लिखा है लोग उनके साए के नीचे से भी होकर गुजर जाते तो शफा पाते हालेलुया ये है यीशु मसीह के साथ चलने का अवार्ड जो जमीन पर हमें और आखिर में हमेशा की जिंदगी है यीशु मसीह जो है वो एक ऐसे एक ऐसी शख्सियत है एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके साथ मिलने से इंसान बदकार जो है वो बदल जाते हैं कलाम खुदावंदी के अंदर बहुत सारे ऐसे हमें वाकयात मिलते हैं जैसे कि मत्ती मसूल लेने वाला लिखा है वो मसूल लेने वालों का सरदार था लेकिन उसने यीशु मसीह के नाम को सुना हुआ था और लिखा है कि उसने बार बार यीशु मसीह को देखने की कोशिश की मगर ना देख पाया रीजन क्या थी उसका कद छोटा उसका कद छोटा था लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जिंदगी के अंदर हमारे दिल के अंदर आता है फिर वो काद छोटा नहीं बल्कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को इतना बुलंद कर देता है हम इजीली यीशु मसीह को देख सकते हैं हालेलुया तो क़लाम में लिखा है कि उस मत्ती मसूल लेने वालों का जो सरदार है तो कलाम में लिखा है जब वो यीशु मसीह को देखकर उसके पीछे चला तो खुदा ने उसकी जिंदगी बदल डाली हाल और वो रसूलों में उसका नाम है और इसी तरह हम जब बाइबल मुकदस में देखते हैं जकई के हवाला से वो भी मसूल लेने वालों का सरदार है और कला में लिखा है कि यसु मसीह को देखने का मुश्ताक है यसु मसीह की तड़प उसकी ज़िंदगी के अंदर है और जब उसके अंदर ये जस्तजू है कि मैं यसु मसीह को देखूंगा तो कला में खुदाबंदी के अंदर लिखा मेरे अजीज़ों खुदा के खूबसूरत खादमों खुदा के लोगों जब उसके अंदर यह तड़प पैदा हुई कि मैंने यीशु को देखना है वो गुलर के दरख्त पर चढ़ गया और जब गुलर के दरख्त पर चढ़ा तो वहां पर वो बैठा और दिल भर कर यसु को देखा और जब यीशु को दिल भर कर देखा नीचे से आवाज आई यीशु मसीह ने कहा जकई नीचे उतरा आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है क्योंकि तेरे घर में नजात आई।, आई है जब हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर बैठा लेते हैं उसको रूहानी आंखों से देखते हैं तो डेफिनेट ये बात है कि आवाज़ आएगी कि तू मेरा बेटा है आज ही तू मुझसे पैदा हुआ है मुझे तेरे घर में जाना है क्योंकि तेरे घर में नजात आई है सो मेरे अजीजों अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर मेरी हो दुनिया के अंदर मेरी ऑनर हो हर एक मुझे अच्छी निगाह से देखे तो फिर मसीह को अपनी जिंदगी में ले आए हर एक आपको अच्छी निगाह से देखेगा आपको ऑनर देगा आपको इज्जत देगा और लोग जानेंगे कि ये खुदा के मानने वाले हैं और जैसा कि उन लोगों ने जो गैर अकवाम के ये अनपढ़ भी हैं नावाकफ भी हैं लेकिन ये मोजात कैसे होते हैं फिर खुद ही कहते हैं आपस में कंप्रोमाइज करके कहते हैं भाई ये तो यीशु के साथ चलते रहे हैं ये तो यीशु मसीह के साथ रहे हैं आज हमें यीशु के साथ दुनिया की सारी दुनिया की सारी रंगीनियों को दुनिया के सारे कामों को छोड़कर हमें यीशु के साथ चलना है फिर बरकत मिलेगी सो आज का पाक कलाम पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बाय से बरकत हो खुदांद आप सबके साथ हो थैंक यू वेरी मच यू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बहुत शुक्रिया पास्टर साहब बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे और ख़ुदांद के ताल्लुक से उन्हें बता रहे थे कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है और लोगों के सामने उसकी खुशखबरी को बयान करना है और लोगों को ये पहचान देनी है यस्सु नाम की कि यस्सु कौन है और यस्ु ने आपके लिए क्या किया है जब वो उसे जान जाएंगे उसे पहचान जाएँगे वो उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो दाखिल करेंगे तो यकीन यस्सु भी उन्हें सरफराज करेगा और बरकत और सरफराजी को उनकी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा नाजरीन आप हमेशा अपने आप को खुदावंद दे, देखें मत सोचें कि आप तनहा हैं या परेशान हैं बीमारी के अंदर तनहा रह गए हैं कमजोर हैं खुदावंद जो है वो आपसे जो है वो दूर है खुदावंद हमेशा आपके साथ है उसने वादा किया कि वह आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा बल्कि दुनिया की आखिर तक वह हमेशा आपके जो है वह साथ है और आपको अपने फजल

लेकिन मैं कहता हूं कि जब हम हमारे नाम के साथ यसुमसी का नाम आ जाए मसीह का नाम आ जाए दुनिया तो नफरत करती है लेकिन आसमान का खुदा हमारा मददगार हामी नासर बन जाता है और वो कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं पत्रस के खत में वहाँ पे लिखा है कि तुम शाही गिरानों का फिरका हो तुम आम लोग नहीं हो जब हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं यसुम सी का नाम हमारे नाम के साथ लग जाता है तो फिर हम आम लोग नहीं रहते फिर हम शहजादे और शहजादियाँ हैं जैसे युहन्ना जी उसके पहले बाय में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन सबों को उसने खुदा के फरजान होने का हक़ बख्शा तो ये है कि जब हम यसुम को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं जैसे पतरस और युहन्ना ने अपनी ज़िंदगी में यसुम को लिया और खुदा ने यसुम ने उससे कहा कि अब तुम मछलियाँ नहीं बल्कि अब तुम आदमगीर बनोगे मेरे पीछे आओ और जब जके ने अपनी ज़िंदगी में यसु को कबूल किया तो उसने यसुम ने उसके घर में जा उसको बरकत दी और उसने अपनी ज़िंदगी को ही तब्दील कर दिया जिस किसी से उसने लिया था उसको उसने दस गुना वापस लुटाया सो जब हम युमसी के साथ जुड़ जाते हैं युमसी को अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल कर लेते हैं युसी को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है फिर हमें दुनिया की चीज़ों से नहीं है दुनिया की ज़रूरतों से नहीं है बल्कि खुदा हमें अपने आसमान को खोलता है और हम आसाई जरूरतों को पूरा कर लेता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बहुत शुक्रिया पास साहब और अभी हम जानेंगे पास्टर हरून सुच्चा से पाई साहब आप भी आज के कलाम में से जो बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई या आप इंस्पायर हुए हैं हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें द लॉर्ड बड़ा खूबसूरत मैसेज था बसीु को जानना और सबसे पहले जरूरी यही है कि हम के फॉलोअर तब बन सकते हैं जब हम उसकी पर्सनैलिटी को जानेंगे जब पर्सनैलिटी को जाने के फिर डेफिनेटली हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी वैसा बने जैसे कि इकाम मुकदस में पॉल कहते हैं कि हमें मसीह के कद के बराबर जाना है और मसीह के कद के बराबर पहुंचने के लिए मसीह को जानने की जरूरत है उसके बारे में पढ़ने की जरूरत है सीखने की जरूरत है और फिर हम मसीह के कद के बराबर पहुंच सकते हैं जब उसके नक्शे कदम पर चलेंगे उस बातों को जो कला में मुकदस में लिखी हैं उन पर अमल करके हम मसीह के बराबर पहुंच सकते हैं और फिर हमारी पहचान मसीह के नाम की पहचान होगी फिर हम पीछे और मसीह आगे होगा जब मसीह आगे होगा तो फिर इस दुनिया में भी इज़्ज़त है और आसमान पे भी इज्जत है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बहुत शुक्रिया पास्टर हरून और मैं चाहता हूँ कि ब्रदर मून आप भी आज के कलाम में से जो बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है हमारे नाजरन के साथ शेयर करें हारे लोया द लॉर्ड भाई साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि बपटाइज के बारे में तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें मसीहत में बपटाइज होना बहुत ज़रूरी है तो जब हम बपटाइज हो जाते हैं तो जब हम नसीत में आते हैं तो फिर हम अजील मुकदस को जानते हैं कि ये अजील मुक़दस खुदा का कलाम हमें क्या बताता है तो मेरे अजीजों के मैं ये कहता हूँ कि आप जब बपटाइज़ हो जाएंगे तो फिर आपकी एक पहचान होगी कि आप मसीही हैं जब आप मसीही होते हैं तो फिर खुदा जो है आपको इज्जत देता है और खुदा आपको ये कहता है कि जाओ दूसरी कौमों में जाकर मेरे नाम को इज्जत और जला दो तो मेरे अजीजों के जब आप सच्चे मसीह बन जाएंगे तो बहुत सी गैर कौमों में भी जाकर आप खुदा के नाम को इज़्ज़त और जला देंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बहुत शुक्रिया ब्रदर और नाजरीन हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त ऑनर जो देते हैं कि वो हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने नाम को इज़्ज़त जो है वो देता है और वो चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ जो है वो वफादार रहें हर मामले के अंदर खुदा के साथ अपनी वफ़ादारी को लेकर चलें ताकि खुदा के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले सो नाजरन इस वक्त वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं आपकी दरख्वास्तों के लिए जो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं या अभी भी जो भी दरख्वास्त दुआ आपके दिल के अंदर है हम चाहते हैं कि आप उसे खुदा के मसबह पर रखें और ख़ुदा के सामने झुक जाएँ हम सभी खादमी जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आपके लिए मिलकर शफायत करेंगे और खुदावंद यकीन आपके ऊपर अपने शफकत वाले हाथ को जो है वो बढ़ाएगा और अपने फजल को आपके लिए जो है वो जारी करेगा आए अपने सिरों को झुकाएँ हम सभी मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे आपके लिए शफायत करेंगे कि कर खुदावंद मेहरबान आपकी जिंदगी के अंदर अपने नाम को इज्जत और जलाल जो है वो बख्शे अजिंदा जलाली आसमानी बाप हम तेरी शुक्र गुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे प्यारों के लिए खुदा जो इस वक्त खुदा उन, हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं खुदा अंद और तेरे सामने झुके हुए हैं खुदांद खुदा तो इनके हालात को इनकी सिचुएशन को जानता है खुदा उन, खुदा तूने इनकी दरख्वास्तों को देखा है खुदांद ये बड़े ईमान के साथ खुदा उन, तेरे सामने झुके हुए हैं खुदांद खुदा मैं तेरा खादम होता हुआ और तेरे खादमों के साथ मिलकर खुदा अंद लिए शिफायत करता हूँ खुदांद खुदा तेरी बरकत तेरी सलामती तेरी रिहाई इनकी के अंदर जारी हो खुदा खुदा अगर कोई परेशान है तो खुदा तेरा इतमान उसकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो खुद अगर कोई बीमार है तो खुदाम उसे तेरे कुदरत वाले हाथ के अंदर देते ना हैं उन खुदा तू उन खुदा शिफा बख्शता है तेरे कलाम के वसीला से खुदांद हमें शिफा मिलती है खुदांद खुदा हम तेरी शुक्र करते खुदा में तेरा खादम होता हुआ हर तरह की वबा को बीमारी को परेशानी को तेरे यस्ु नासरी नाम से डांटता हूँ खुदा खुदा जाती रहे तेरे लोग आजाद खुदा उन खुदा तेरे लोग रहा हों खुदा खुदा तेरे लोग शिफा पाए खुदा उन खुदा तेरे लोग बरकत को हासिल करें खुदा खुदा हर तरह की तकलीफ तेरे नासरी नाम से ये खुदा उन खुदा अगर कोई फैनानस की वजह से परेशान है हम तेरे आसमान को जो तेरा अच्छा खजाना है खुदा खुदा इनके लिए खोलते हैं खुदा उन खुदा इनकी जॉब के ऊपर तेरी बरकत को चाहते हैं इनके कारोबार के ऊपर तेरी बरकत को चाहते हैं इनके रिसोर्स के ऊपर तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा उन खुदा अपने यस्सु नासरी नाम से अपने लोगों के लिए खुदा खुदा अपने फ़जल को जारी कर दे खुदा खुदा अपने फ़जल को इनके लिए जारी कर खुदा खुदा हर तरह की वबा परेशानी बीमारी तेरे यसु नासरी नाम से जाती रे खुदा उन खुदा तेरे लोग शिफा पाएँ खुदांद खुदा तेरे लोग बढ़ोती पाएँ खुदांद खुदा तेरे लोग चंगाई को हासिल करें खुदा खुदा और तेरी शुक्रगुजारी करें कि तू अपने लोगों से प्यार करता है मोहब्बत करता है खुदांद खुदा हम तेरी हजूरी में खुदा हम झुक और तेरे हजूरी में शिफायत करते हैं तेरे लोगों के लिए उन खुदा कि तू अपने फजल को उन खुदा इनकी जिंदगी में जारी कर क्योंकि उन तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है जब तू हमारे साथ है उन खुदा हमें कोई परेशानी नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं खुदांद खुदा हमें कोई डर नहीं हमारे अंदर कोई खौफ नहीं है खुदांद खुदा क्योंकि खुदांद तो हमें जोरावर बना देता है तू खुदा हमें उठा खड़ा करता है तू हमें बरकत बख्श देता है तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदांद खुदा मैं तेरे प्यारों के लिए तेरी बरकत को सरफराजी को और सलामती को चाहता हूँ प्यारे को सरफराजी को चाहता हूं, खुदा खुदा को, 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 को चाहता हूं। खुदा तेरा कुदरत वाला हाथ हमेशा मुल्के पाकिस्तान के ऊपर बढ़ा रहे खुदा खुदा इसके अंदर बसने वाला एक एक भाई बहन खुदा तेरी कुदरत वाले हाथ के नीचे रहे तेरी सलामती को तेरी बरकत को हासिल करे खुदा खुदा और तेरा नाम इस मुल्क के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदांद खुदा इसी तरह खुदांद तेरे खादम खुदांद खुदा उन पास्टर इमरान फजल के लिए सिस्टर महविश इमरान के लिए खुदांद उन उनकी फैमिली के लिए सारी ख़िदमत के लिए तेरी बरकत को सलामती को और सरफराजी को चाहते हैं खुदांद खुदा उन है। इसी तरह फजल टेलीविजन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदांद खुदा इस खुदांद खुदा नेटवर्क के वसीला से खुदांद हम तेरी गवाही को ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि खुदांद जहाँ जहाँ पर ये चैनल जाता है इसके वसीला से लोग बरकत को सरफराजी को तेरी पहचान को और सबसे बढ़कर खुदा नजात को हासिल करें और तेरा ये नाम उनकी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदा उन खुदा ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदा मसीह के वसीला से मांगते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया यकीन लोया यकीन नाज्रीन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को सरफराजी को जब वो हासिल किया है इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा पास्टर अनवर सुचा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए इसी तरह पास्टर जुवेद सुचा साहब आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो आए पास्टर हारून सुचा साहब आपका भी शुक्रिया और इसी तरह ब्रदर मून चार्ल्स आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और आपने मिलकर ख़ुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया है नाजरीन आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और ख़ुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं इस प्रोग्राम को इसी तरह देखते रहिएगा अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे फिर मिलेंगे आपके साथ नए मेहमानों के साथ नए प्रोग्राम के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद